खून को तरसते चांद जैसे। कहा गया है जब जब धर्म की होती है हानि, साथ के साथ अधर्म की होती है पुष्टि, तब तक भू पर परम पुरुष प्रकट होते हैं। उसी सन शरद ऋतु का आगमन हुआ, मानवता के लिए आशा भरी एक नई सुबह आई, जब देश के पूर्वी प्रांत के एक छोटे से गांव हिमायतपुर, बहती हुई नदी पद्मा के किनारे पैदा हुआ एक प्राण। भले बुरे के विचार से विध्वस्त धरती को राह दिखाए, आए मुक्ति दिलाए। अचंभित रह गया हर कोई जब जन्म लेते ही खिलखिला कर हंसने लगा बच्चा। पिताशीव चंद्र चक्रवर्ती, माता मनमोहन देवी, मां ने आदर से नाम रखा अनुकूल, पूरा नाम अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। एक दिन पूजा के समय आसन में विग्रह की जगह खुद बैठ गए वे। डांट हटकर मिली तो कहे, पुकार तो रहा था वो मुझे। असीम लगाव था मां के प्रति। एक दिन किसी कारण मां पीछ निकली दौड़ी, भागने लगा बच्चा। पैर में चुभती हुई गर्मी का एहसास हुआ, ख्याल आया ऐसे ही मां का पाव भी तो चलता होगा। रुक गए, थम गए, पिटाई पड़ी, इससे भी उनका हृदय आनंद से ही भरा था मां के लिए। उम्र बढ़ी, ज्ञान विज्ञान के अनंत आधार, जहां दुनिया में एक के जैसा हो बहु एक और नहीं, वहां सिखाया जा रहा था एक और एक दो नहीं मान पाए हुए। और क्या, हम साधारण मानव पीछ ही तो सकते थे उन महाज्ञानी को। बारिश का एक दिन गहरी एक खाई, डूब रहा था एक बूढ़ा प्राण, बचाव के लिए पुकार रहा था हाथ बढ़ाए हुए। जीवन बचा तो बूढ़े ने बोला, क्या तू ही मेरे अल्लाह हो। जिंदगी भर ऐसे अनगिनत हाथ सहारा तो खोजते रहे। उम्र और भी बढ़ती गई, पिता की इच्छा से पहुंचे कोलकाता, डॉक्टरी पढ़ लिया। शहर में बिगड़ सकता है बच्चा, इस एहसास से घर से पैसा तंगी से ही भेजा जाता रहा। बड़ी कठिनाइयों से गुजरे हुए दिन, रहने लगे गरीब मजदूरों के बीच, पर हालात से हार नहीं। असहाय साधारण जनों के हृदय में बहा दिए करुणा की धारा। समय के पलटने पर लौट आए गांव, वहां भी चलने लगा वैसा ही प्रेम और करुणा का सिलसिला। फिर एक दिन महसूस किए, हर बीमारी की जड़ है मानव मन, और क्या, निकल पड़े मन की रक्षा करने। गांव में सबको इकट्ठा किए, चारों ओर गूंज उठा कीर्तन। कीर्तन में लग रहे जन जैसे आनंद के नशे में चूर, जनता का एक समूह उस भक्ति रस से दूर होती रही सारी मलिनता। रच उठा एक मधु चक्र, मानो एक एक के प्राण के घेरे में पड़ गए। उनके श्री मुख की वाणी सुनकर नवजीवन पाए सकल जन, साफ दिखने लगा जीवन का जटिल मार्ग भी। ग्रहण ग्रस्त धरा को
अंधियारा से राहत मिली, जो भी पास पहुंचे तन मन से हुए हर्षित। हर एक जीवन की पटकथा परिवर्तन के मूल कारण ही थे वे। केंद्रित कर उनको एकत्रित होने लगे लोग, आए अर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, संत भी पहुंचे, दुर्जन भी, त्यागी संसारी धनी निराश्रय निरक्षर, सब आते रहे आशा की किरण में परिसमाप्त हो। रचा कर्मशाला रचा ज्ञानशाला आपूर्ति के लिए आनंद बाजार भी, आश्रय पाने आकर प्रश्रय ही मिला हम सबको बेहतर जिंदगी की ओर। उनको घेर के जो मंडली तैयार हुई उसे सब पहचानने लगे सत्संग के नाम से। ऐसे ही एक दिन अचानक उस गांव का सब कुछ पीछे छोड़, कर्म भूमि की हर कुछ त्याग, चल पड़े पश्चिम की ओर, पहुंचे देवघर। साल भर बाद आई देश विभाजन के हलाहल से ग्रसित राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अनगिनत घर बिखरे, अनेक प्राण बिछड़े, निराशा के वक्त कितनों को शरण दिए वे। शुरू हुई वही कहानी दोबारा, महामानव की लीला का अंतिम पर्व देवघर में ही हुआ समाहित। जो रहे उनमें समाहित, जो रहे उनमें मगन, समकित हो आज भी पाते वे अपने जीवन में, हर एहसास में, हर कदम में यजन याजन इष्ट भृति के माध्यम से नियमित निरंतर ठाकुर को। संग सुधा पाए हुए कई जन आदेश पाकर या तो अपनी इच्छा से, दिल और दिमाग से भी किए कोशिश, पर असफल रहे। वो कोशिश मानो एक तितली के अपने पंख लहराकर आसमान छूने का प्रयास जैसा। उनका संपूर्ण बयान करना कठिन ही नहीं असंभव साबित हुआ। उनका व्याख्यान हो सकता नहीं, होता ही नहीं। ठाकुर की उपमा केवल ठाकुर ही है। तुम गंधे तुमार
কানিশি জাগা তুমি যে মোর সকল চাওয়া পাওয়া তোমার লাগি দেবানিশি জাগা তুমি যে মোর সকল চাওয়া পাওয়া তোমায় বিনা সকল চাওয়া ফাঁকা হৃদয় আমার কাঁদে তোমার তরে তোমার রঙে হৃদয় বেঁচে থাকার আশা তুমি আমার সকল কাজের দিশা তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা তুমি সকল কাজের দিশা দুঃখ দৈন্য নেই কো হতাশা দুঃখ দৈন্য নেই কো হতাশা প্রভু হৃদয় আমার রাঙা তোমায় বিদায় দেব কেমন করে বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা সে সুরে মোর চিত্ত আছে জয় গুরু।